सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का vampirehub.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी वैकेंसी आ रही हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन ने क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम महाराष्ट्र स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gpgondia.gov.in है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है, जॉब कैटेगरी महाराष्ट्र है। इस वैकेंसी के लिए कुल पदों की संख्या 56 है और पोस्ट का नाम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य है। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं, बैचलर डिग्री, बीएससी एग्रीकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट निर्धारित किया गया है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए 38 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 पोस्ट है और सिपाही के लिए 7 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 10वीं बैचलर डिग्री, बीएससी एग्रीकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 38 वर्ष से 43 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन पदों के लिए वेतनमान क्या निर्धारित किया गया है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए 20,500 रुपये प्रति महीने निर्धारित किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 15,000 रुपये प्रति महीने निर्धारित किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए 15,000 रुपये, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10,000 रुपये और सिपाही के पोस्ट के लिए 8,000 रुपये प्रति महीने निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू पे बेस्ड है। अब बात करते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, यदि आप इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं और इसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन आवेदन www.gpgondia.gov.in के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 24 नवंबर 2017 से पहले कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।